आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच सिटी हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD इज लोकेटेड। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे जिसमें उस कंट्री की एक सिटी का इंफॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस के कोल्ड वॉर एरा चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कब होगा, इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन जिनके बारे में हमको जानना समझना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा और इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें याद रखना है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में या नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने बेलग्रेड के बारे में डिस्कशन किया, अलग अलग तरीके के लीडर्स के बारे में बात करी, इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात किया। अब इसमें एक चीज हमको ये समझ में आ रही है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसमें कई सारी जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, मेजोरिटी जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी वो कौन सी है, एलसीडी। एलसीडी नहीं, आपको याद रखना है कि वो जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी वो कौन सी है, वो एलडीसीज है। एलडीसीज का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसी से आप ये एलसीडी से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम यूएसए और यूएसएसआर में से किसी अलायंस को जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इन कंट्रीज की ओवरऑल कंडीशन को अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, बहुत सारे लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, ऐसे अलग अलग तरीके के टास्क जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने अलायंस इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये अपनी सोवरेनिटी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते थे, वो उनके हिसाब से काम नहीं करना चाहते थे, बिकॉज कॉलोनियल एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो इन कंट्रीज का बहुत बुरा था और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका फॉर्मेशन करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर अलायंस का पार्ट यहां पर नहीं बनेंगे। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि इन कंट्रीज को पॉलिटिकल फ्रीडम तो यहां पर मिल गई थी, है ना, मतलब जो गवर्नेंस वगैरह होगा वो यहाँ के लोग, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर चलाएगी। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी, इनिशियली जब इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिली थी उस टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो ये लोग यहाँ पर क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो यहाँ पर मिलनी चाहिए वो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो इनको इस टाइम पीरियड पर नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर कोई रिसोर्सेस वगैरह जो थे उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उससे प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह यहाँ पर बनाने, इनकी शुरुआत होना है। और आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर भी जो इकोनॉमिकली इनकी डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, वो अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर आप देखोगे तो उसपे जो हक था, ऑनरशिप थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो केवल इंडिया में नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखकर और ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए कि भैया ज्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को भी हमें यहाँ पर फुलफिल करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम UNCTAD कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा जो कि स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। तो मैंने आप लोगों को वो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पब्लिश करी और उसका ईयर अगर आप देखोगे तो आपको याद रखना है वो कौन सी थी, वो 1972 का था, ठीक है। 1972 के ईयर में UNCTAD ने एक रिपोर्ट यहाँ पर क्या करी, पब्लिश करी, जिसका टाइटल है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिटी या पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट जो है ये इनकी एक रिपोर्ट का जो है वो टाइटल आपको देखने को मिलेगा और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए। जैसे अगर आप देखोगे तो इनके कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ये बोला गया कि रिपोर्ट ने प्रपोज किया रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू, है ना, मतलब हमें कुछ जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है ताकि ये कुछ अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर क्या किए जा सके, फुलफिल किए जा सके।
इनमें अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर उन कंट्रीज की ही ऑनरशिप जो है वो आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कॉलोनियल पावर वहां पर थी उनके पास उन नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज है ना, या फिर डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, तो जो पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जिन नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जिसकी ऑनरशिप जो है वो किसकी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की है, उनको आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है। ये पहला जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, जो चेंज है वो यहाँ पर लेकर आया गया। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये बोला गया है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को वेस्टर्न मार्केट का जो है वो यहाँ पर एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट ने इन कंट्रीज को अपना मार्केट हब बनाया, यहाँ पर लाकर अपना सामान बेचा। जैसे ब्रिटिशर्स के केस में अगर आप देखोगे तो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो हमारी कंट्री में यहाँ पर आए, है ना, इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो वही बात बोली गई है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, उनको वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट वगैरह को जो है वो वहां पर बेच सके। और इससे क्या होगा कि ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल होगा फॉर दी पुअरर कंट्रीज। अभी केवल क्या हो रहा है कि वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जो पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इनको भी यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि भाई अगर कोई कंट्री पहले से ही गरीब है ना, उनको बोलोगे इनोवेशन करो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करो, तो वो उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने वाला आइडिया जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये भी बोला गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने टेक्नोलॉजिकली वगैरह यहाँ पर इनोवेशन कर लिए हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें अगर आप देखोगे तो जिस कॉस्ट पर आप पुअर कंट्रीज को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो वो वैल्यूज भी यहाँ पर कम होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, और ग्रीन एनर्जी को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो उसका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो भाई जो कंट्रीज ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनको उन कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर करना चाहिए, उसका कॉस्ट भी जो है वो आपको लिमिटेड देखने को मिले। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में फॉर लोन पर्पस है ना, या फिर आप ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट रिलेटेड कोई अगर गाइडेंस वगैरह है, प्रिंसिपल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो उन सब चीजों में यहाँ पर क्या करना है कि हेल्प जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके के जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका सभी कंट्रीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी उसका एक्सेस यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो यहाँ पर लेकर आए गए टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिससे हम क्या करेंगे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं उन्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, वो अपने आप को थोड़ा सा इंपावर यहाँ पर कर पाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में जो नॉन अलाइनमेंट था, वो नॉन अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि वो इस बात के ऊपर फोकस करता था कि हमें यूएसए या यूएसएसआर में से किसी का भी अलायंस जो है वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाद में चलकर यहाँ पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि भाई जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके ऊपर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर फोकस करना शुरू करता है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी 1961 सितंबर बेलग्रेड में, वहां पर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक इश्यूज का जो है वो कोई इंपॉर्टेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इनिशियली इन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन mid-1970s में, याद रखिएगा, ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये mid-1970s में है। तो अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दिया। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में यहाँ पर इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया, जो इस बात को बार बार यहाँ पर बताएगा कि वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज को जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंसर्न को यहाँ पर समझना चाहिए और उनके अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है वो पुअर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी तो इनको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं, तो NIEO जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इनिशिएटिव है वो धीरे धीरे फेड हो गया, बिकॉज स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। तो आप ये मान लीजिए कि जब एक तरफ पुअरर या लेस पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है और एक तरफ रिच कंट्रीज और पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि हम उनके ऑपोजिशन को यहाँ पर झेल नहीं पाएंगे। हु एक्टेड एज यूनाइटेड ग्रुप व्हाइल द नॉन अलाइन कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन फेस ऑफ दिस ऑपोजिशन। तो अब कई बार क्या होता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सामने वाले ग्रुप को आपको हराना है, तो वो क्या करेंगे, आपके ग्रुप में जो है वो फूट डालने की कोशिश करेंगे। तो कई बार जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं
वो दूसरी कंट्रीज के साथ यहाँ पर पावरफुल कंट्रीज के अलायंस वगैरह में यहाँ पर जाने लग गई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में ये काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको ट्रम्बल होता हुआ दिखाई दिया। तो ये है भाई साहब आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ यहाँ पर डिस्कस किया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका भी आंसर मिल गया और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सीओटी की प्रिपरेशन अगर आप हमारे साथ यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप लोगे और आप चाहते हो कि उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें जिसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, इसको अगर आप यूज करोगे तो आपको जो टोटल डिस्काउंट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको यूज करके अपने सीओटी की प्रिपरेशन को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले टॉपिक में, अगले सेशन में मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।